संदीप जी एक बात बताइए, बहुजन समाज के लोग भगवानों के विरोध में रहते हैं, उसका ऐसा क्यों करते हैं वो? मैं तो ये कहता हूँ बहुजन समाज के लोगों को, जाके ना सिर फोड़ो किसी का, पता चल जाए तुम्हारा भगवान बचाएगा या संविधान से सजा मिलेगी। ठीक है, मैं कहता हूँ अपने बैठो आराम से, कुछ मत करो, तुम्हारा श्री राम राधे कृष्णा फलाना ढिकड़ा ये तुम्हें रोटी खिलाएंगे। एक बार तो ये कहते कर्म सरोपरि है, जब कर्म सरोपरि, कर्म करना है, काम करके खाना है, तो ये भगवान कहाँ से आ गया भाई? ये मानसिक गुलाम हैं हम लोग, और वो मानसिक गुलामी पढ़ाई से दूर होती है। मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ अभी नौ दुर्गे जब आया तो वो कह रही जी वर्तमान तो दुर्गा के साथ रहे, मैं जाता हूँ। फिर वो बंद किया हमने, अगले बार आ गया वो करवा चौथ का, और कह रही जी ये तो आपके लिए मैम, मुझे मरना मंजूर है लेकिन एक व्रत नहीं रखने दूंगा। वो व्रत बंद करवाया, फिर आ गया ये होई का अभी हुआ था, कह रही जी ये तो बच्चों के लिए, मैम मैं मर रहा हूँ तो छोरा मरने में क्या दिक्कत है, मरने दे साले को, ये आडंबर नहीं करना हमने। तो मैं ये कहूँगा बहुजन समाज के लोगों को, ये आपको मानसिक गुलामी की तरफ ले जाता है, ये राज करेंगे ये लोग, आप घंटा बजाते रहो। इन लोगों ने संविधान पे कब्जा कर लिया और तुम इनके भगवानों के पीछे लगे रहो। अरे अगर इस संविधान में ताकत होती तो सारे लोग जो है ना हमारे ये इस भगवान को क्यों देते, है ना? संविधान सबसे बड़ी ताकत है जिसके तहत तो योगी सीएम बना बैठा है, और तुम लोग घंटा बजाने के चक्कर में लगे हो। योगी और अपना देवकीनंदन ठाकुर ये सब लोग संविधान के पीछे लगे रहे, तुम भगवान के पीछे लग रहे हो। तो संविधान जो है ना वो सबसे बड़ी शक्ति है, भगवान हमारा वो है। आप लोग जो है न्याय प्रक्रिया से चुन के जाओ, चाहे न्यायपालिका चुनाव हो, जहाँ भी ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक, वो है सबसे बड़ी शक्ति। और राजाओं का शोषण नहीं होता कभी भी, गुलामों का शोषण होता है, और भगवान जो है ना वो गुलामी का सबसे बड़ा कारण है, और संविधान जो वो आज़ादी का कारण है। और ये जो 2019 का चुनाव है ये भगवान वर्सेस संविधान है, या तो ये भगवान के पास चले जाओ अपने, या संविधान से बच जाओगे आप लोग। तो जो बचाना वो तय कर लो आप लोग बहुजन समाज के लोगों, आप इस देश के भाग्य विधाता। 2019-21वीं सदी का चुनाव है, या तो इस देश के हुक्मरान बन जाओ या दोबारा से गुलाम बन जाओ।